Which of the following statements is correct? Two forces on the body which happen to be equal and opposite constitute an action reaction pair. Okay? तो ऐसे में क्या बोला गया है कि एक ऐसे बॉडी है, टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, ठीक है, विच आर इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक है. तो ये F और ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा इस पे मान लो ऐसे करके तुम्हारा ये हो गया F, तो इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में तुम्हारा काम कर रहा है, पर ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होगा, क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर के लिए तुम्हारे जो फोर्सेज है वो तुम्हारे बिटवीन अ पेयर ऑफ बॉडीज अलग अलग बॉडीज पे काम करता है. अगर ये फोर्स एक्शन है तो ये रिएक्शन फोर्स होगा, ठीक है. ये एक्शन फोर्स इस बॉडी पे काम कर रहा है, बॉडी वन पे, और रिएक्शन फोर्स जो है वो हमारा क्या हो गया, इस सेकेंड बॉडी पे काम कर रहा है. दोनों अलग अलग बॉडीज पे काम करेंगे. ओके, तो ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन ए गलत है. द म्यूचुअल एक्शंस ऑफ टू बॉडीज अपॉन ईच अदर आर ऑलवेज इक्वल एंड डायरेक्टेड टू कॉन्ट्ररी पार्ट्स, ठीक है. ये एक्शन एक्शन फोर्स देखो, ठीक है, एक्टिंग ऑन दिस बॉडी फर्स्ट बॉडी ड्यू टू सेकेंड, ठीक है. तो ये एक्शन इस डायरेक्शन में हो गया, और जो सेकेंड बॉडी पे देखो, एक्टिंग ऑन दिस सेकेंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट बॉडी, तो ये तुम्हारा रिएक्शन, तो बेसिकली कॉन्ट्ररी पार्ट्स की तरफ डायरेक्ट हो रहा है, तो ये तुम्हारा एक्शन रिएक्शन पेयर हो गया. तो बेसिकली ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. न्यूटन सेकेंड लॉ इज वैलिड इन ऑल फ्रेम्स, ये तुम्हारा गलत है, क्योंकि एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, एक्सेलरेटेड फ्रेम में ये तुम्हारा नॉट वैलिड है, इट इज नॉट वैलिड. ओके, तो ये तुम्हारा सी गलत है. स्यूडो फोर्स आर एप्लीकेबल इन इनर्शियल फ्रेम्स, ये भी गलत है. स्यूडो फोर्स जो है ये तुम्हारा एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, एक्सेलरेटेड फ्रेम पे या फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे वैलिड होता है. ओके, इट इज नॉट एप्लीकेबल इन इनर्शियल फ्रेम, तो ये तुम्हारा ऑप्शन गलत है. तो हम देख सकते हैं ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन.